हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और अभी हम बाहर जाने वाले हैं। बाहर कैसा माहौल है जर्मनी में आजकल, वो आपको दिखाएंगे दिसंबर के मंथ में। और साथ में जाने वाली है मिशी भी हमारे। और मिशी, क्या आप इसको भी ले जा रहे हो, अपने टैडी को? ओके, तो मिशी अपने टैडी को भी लेके जाने वाली है। आपके टैडी का नेम क्या है? नीनी। नीनी, ये गर्ल है या बॉय है? गर्ल। गर्ल, ओके। तो मिशी चलेगी नीनी को साथ में लेके। तो हम चलते हैं, बाहर निकलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा मौसम है बाहर का। आज की वीडियो में हम कुछ नया देखने वाले हैं, नया एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आप भी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि हम क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ के नए नए रंग। हम निकल गए हैं घर से और रास्ते में हैं, जहाँ जा रहे हैं बस अब कुछ ही मीटर की डिस्टेंस अब बची है तो पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरे बगल में है यहाँ का बस स्टैंड, और इसी तरह के बस स्टैंड जो आपको कुछ कुछ मीटर्स की डिस्टेंस में नज़र आएंगे। तो अभी हम जहाँ जा रहे हैं बस पहुँचने ही वाले हैं, लेकिन मिशी को जो है स्ट्रॉलर में ही नींद आ गई है। तो इसका यही है, घर में तो ये सोती नहीं है और जैसे ही बाहर निकलते हैं तो सो जाती है। तो चलो देखते हैं, अगर उठ जाएगी तो ठीक है, अदरवाइज सोई रहेगी स्ट्रॉलर में। टेम्परेचर की अगर आज बात करें तो 1 डिग्री सेल्सियस है, तो उतना ज़्यादा ठंडा नहीं है। और अभी कुछ देर पहले रेन हुई थी यहाँ पे, तो स्नो शावर नहीं हो रहा है इसलिए उतनी ठंड नहीं लग रही है, नॉर्मली आज ठंड। और पूरे मार्केट में आपको नज़र आएगी लाइटिंग से लाइटिंग्स। तो क्रिसमस का फेस्टिवल इनका बस आने वाला है, तो उसके लिए जो है ये पूरी मार्केट्स डेकोरेट हो चुकी है लाइटिंग से। जहाँ आप नज़र घुमाओगे वहाँ आपको लाइट्स नज़र आएंगे, तो काफ़ी अच्छा लगता है मार्केट में घूमना हमें। तो यहाँ रोड साइड में आपको स्ट्रीट में जो है फूड स्टॉल्स भी नज़र आएंगे, और काफ़ी सारे आइटम्स भी हैं, कैंडीज वगैरह जैसे बच्चों के टॉयज, इस तरह के स्टॉल पूरी स्ट्रीट में लगे हुए हैं। जिस एरिया में हम अभी आए हैं उसका मैं आपको व्यू दे देती हूँ एक बार, कैसा वो लग रहा है। तो इस तरह का कुछ व्यू है यहाँ का। इस वाली स्ट्रीट में काफ़ी सारे आउटलेट्स हैं, जैसे ये है जेलेंडो आउटलेट, और सामने आपको दिखेगा एक बड़ा सा स्नोमैन बनाया हुआ, वहाँ पर जो है काफ़ी सारे लोगों की फोटोग्राफी चल रही है। अब हम आ गए हैं जहाँ के लिए घर से निकले थे, क्रिसमस मार्केट। तो एक और व्लॉग में हमने आपको दिखाया था ये, बट उस टाइम पूरी तरह से जो है स्टार्ट नहीं हुआ था, अब स्टार्ट हो गया है, तो इसलिए हमने सोचा कि आपको भी इसे दिखा देते हैं। तो देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, वीडियो में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है जितना हमें रियल में एक्सपीरियंस करने में लग रहा है। इसी मार्केट के ठीक बगल में एक चर्च है, केसो विलहम चर्च। ये है यहाँ का क्रिसमस मार्केट, जिसे हम कह सकते हैं मेला भी, और अगर पहाड़ी में बोले तो पौतिक लगा हुआ है। और सारे लोग जो है यहाँ पे मस्ती करने में लगे हैं, खा पी रहे हैं, अपना बच्चे झूला झूल रहे हैं, बस सब लोग अपना मस्त हैं। और इतनी ठंड है तो ये नहीं है कि लोग रजाइयों के अंदर घुस गए हैं, भाई बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है। पूरी क्राउड जो है यहाँ पर नज़र आएगी और अपना जो है इन्जॉय कर रहे हैं ये लोग विंटर को। तो चलिए हम भी यहाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं फर्स्ट टाइम कैसा होता है यहाँ पे क्रिसमस से पहले वाला टाइम, और साथ में आपको भी दिखा रहे हैं। मिशी को तो अभी नींद आ गई है, अगर सोई नहीं होती तो आराम से अपना मज़ा करती यहाँ पे, और इसमें भी बैठती, क्योंकि आज घर से ही वो प्लानिंग करके आई थी कि इसमें बैठना है, बट रास्ते में आते आते उसे नींद आ गई। तो ये है इस मार्केट का नाम। अभी जो है ना हम बैक साइड से आ गए थे और ये है इसका एंट्री साइड। चलो अब हम करते हैं इस मार्केट का टूर और आपको भी दिखाते हैं और मिलते हैं आपसे बाद में। अभी आप मार्केट का पूरा टूर कीजिए हमारे साथ।
ये है यहाँ पर एक फोटोग्राफी पॉइंट, तो चलो अब मैं भी खिंचा लेती हूँ फोटो। कौन सा स्टॉल लगा आपको सबसे बेस्ट हमें ज़रूर बताना, और कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ क्रिसमस मार्केट को एक्सप्लोर करना जर्मनी की। अब हम घूम चुके हैं पूरा मार्केट और साथ में हमने आपको भी घुमा दिया, तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया है तो खूब सारे कमेंट्स करो, लाइक करो वीडियो को और शेयर ज़रूर करो, और साथ में शेयर ये भी करना कि आप और क्या क्या जानना चाहते हो जर्मनी के बारे में, ताकि हमें कुछ आइडियाज़ मिलते रहे नए नए ब्लॉग्स बनाने के। और अब हम घर की ओर जा रहे हैं, तो चलिए मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।